असलम डर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड था सब्जेक्ट जी के एंड दिस इज़ योर जी के टीचर सैद गुल अफ्सा ऑन बिहाफ ऑफ एच डी एम एस बॉयज़ इंग्लिस मीडियम प्राइमरी स्कूल आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी एट योर होम एंड दिस इज़ ट्वेंटी चैप्टर पेयर्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पर हमें वर्ड्स की पेयर दी हुई है उस पैर के अंदर से हमारे लिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है और सेकंड वर्ड जो है वो हमें कैसे ढूंढना है यहाँ पे वो सेकंड वन के फोटोज़ दिए हुए हैं उसकी स्पेलिंग हमें यहाँ लिखना है यानी उस वर्ड को हमें यहाँ लिखना है ये पूरी वर्ड की पैर है उसमें से सिर्फ एक ही वर्ड हमें लिख के दिया हुआ है सेकेंड वन जो है वो हम लिखेंगे सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड आवर नोटिस फॉर ईच पैर ऑफ वर्ड्स बिलो वन वर्ड इज़ गिवन यानी ये जो जो है ना पैर यानी जोड़ी दी हुई है उसमें से जो है वो एक जो वर्ड है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है टू राइट इट्स पैर वर्ड अ पिक्चर ऑफ़ दैट वर्ड इज़ गिवन यानि जो हमें वर्ड राइट करना है यानी लिखना है यहाँ पर उसका पिक्चर हमें यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर हमें फीलिंग द ब्लैंक यानी ब्लैंक को फिल करनी है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन इज लॉक एंड ये क्या है की तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया क्या लिखा के ई वाई की डे एंड नाइट तो नाइट की स्पेलिंग देखो यहाँ पे नाइट का फोटो है नाइट की स्पेलिंग यहाँ मैंने लिखी हुई है आपको भी लिखनी है इस तरीके से एन आई जी एस टी नाइट नॉट एंड बोल्ट तो बोल्ट की स्पेलिंग देखो यहाँ टीचर ने लिखी हुई है बी ओ एल टी बॉल्टुथ एंड एंड ए आर टी एच ह्रेड एंड बटर देखो यमूल बटर दिख रहा है यहाँ पे बी यू डबल टी आर बटर बो एंड एरोबल आर ओ डब्ल्यू एरो टेबल एंड चेयर सी एच एर चेयर बेट एंड बॉल बी ए डबल एल बॉल ब्राइड ग्रम एंड ब्राइड बी आर आई डी ब्राइड सो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे फिनिश करना है ठीक है अब सेकेंड वन जो है वो पीछे के पेज पे है जो हम करेंगे आगे And short s h i r t. Short. Man and woman w o m n. Woman. Cup and saucer s a u c e r. Saucer. Knife and fork f o r k. Fork. Susan socks s o c k s. Socks. Sun and moon M W N Moon <coughs> Brother and Sister S I S T E R Sister Salt and Pepper P-E-double-P-E-R -E Pepper Fruits and Vegetables V E G E T A B L E S Vegetables नीडल एंड थ्रेड टी एच आर ई ए डी थ्रेड नीडल एंड थ्रेड हजबैंड एंड वाइफ डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ तो यहाँ पर जो है हमारा ट्वेंटी एथ ऑफ चैप्टर पैर्स ऑफ वर्ड्स फिनिश होता है पैर्स ऑफ वर्ड्स यानी इस तरीके की पैर्स होती है जिसको एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं है हम उनका नाम हमेशा साथ में ही लेते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ना हिंदी में सुई और धागा यानी थ्रेड एंड नीडल कप और रकाबी यानी कप एंड सोसर उस तरीके से यहाँ पे हमने आज क्या सीखा पेयर्स ऑफ वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो हमेशा पैर में आते हैं जैसे कि लोक के बिना की कुछ काम की नहीं होती है और की के बिना लॉक उसी तरीके से आज हमने पेयर्स ऑफ वर्ड्स सीखे थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़